नमस्कार, मैं हूं ममता कुमारी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में होने वाले सुप्रसिद्ध चैती मेले का शुभारंभ कोरोना संक्रमण के बीच ध्वजारोहण कर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत द्वारा किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर में स्थित मां बाला सुंदरी देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ चैत्र मास के नवरात्रों में विगत सैकड़ों वर्षों से ऐतिहासिक चैती मेला लगता चला आ रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने मां भगवती से देश में कोरोना वायरस बीमारी को खत्म करने की प्रार्थना की और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर मेले के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने मेले का इतिहास बताते हुए कहा कि यह मेला 320वीं सदी से लगातार चलता आ रहा है और सर्वधर्म एकता की मिसाल है। पूरी खबर काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। जय हो, जय हो सर। मंगल मंगल ये चीज हमारे साथ ये शरण देते हैं। आगे आगे ताऊ आगे शुक्र। ओम पवित्रो पवित्रो सर्व अवस्था गतिविवाय हस्मे कुंडीकाक्ष संग्रह जुगे ओम कुंडीकाक्ष भवनातो ओम कुंडीकाक्ष भवनातो हस्तो प्रक्षालय ओम नमो केशवाय नमः स्वाहा। पी जाएंगे ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम गोविंद। की डलने वाला बहुत है। क्या मतलब है, क्या बात है? मैं साहब नहीं हूं। एक बहुत ही पौराणिक मेला जिसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। माँ बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडुकाल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं इस मेले का शुभारंभ करूं। मैं अपने मेयर का, अपने सभी वरिष्ठ जनों का, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और आज एक प्रथम नवरात्रि के दिन एक पुण्य कार्य मेरे हाथों हुआ है। मैं इसमें अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। माँ बाल सुंदरी देवी, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको, प्रदेश को, देश को कोरोना से मुक्त करे और इस संकट की घड़ी में सब लोगों को स्वस्थ रखे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, एक मेले का आयोजन भी अपने प्रतिबंधों के साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हजारों लोग हो रहे हैं, वैसे ही लोग डर रहे हैं तो इसमें और लिमिटेड लोग आएंगे। मेले में तो आस्था है, लाखों लोग आते हैं। नहीं, लाखों नहीं आ रहे हैं, जो आएंगे भी तो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ आएंगे। कोविड की तरफ से किस तरह के नियम वगैरह लगाए जाएंगे? नियम वही है कि अधिक से अधिक कोविड के नियमों का पालन हो और कम से कम संख्या आए, क्रमबद्ध तरीके से आए। कल कुंभ की बात कर, फेलियर रहा? नहीं, फेलियर नहीं रहा। ये देखा होगा आपने कि क्या ऐतिहासिक कुंभ रहा है और इस कोरोना काल में इतना बड़ा कुंभ, ये तो एक बहुत विशाल कुंभ कहा जा सकता है। लेकिन सरकार तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से है? देखो, ये आस्था का प्रश्न है, लोग आस्था के हिसाब से आए। जो कहा गया था कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आए, उसका नियमों का पालन करते हुए आए। माननीय मंत्री जी, कौन कार्य कर रहे हैं? मैंने प्राधिकरण का एक क्षेत्र कहा था कि 2016 से पूर्व जहां प्राधिकरण था वहां रहेगा, अन्य स्थानों पर खत्म होगा। देखिए, आज जो है चैत्र प्रतिपदा का दिन है, क्योंकि चैत्र जो हिंदू नववर्ष है हमारा प्रारंभ है और उसी के साथ में जो काशीपुर का ऐतिहासिक चैती मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो आज जो है माता जी के मंदिर का जो है ध्वजारोहण माननीय मंत्री श्री भगत बंशीधर भगत जी द्वारा आज जो है यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत ध्वजारोहण किया गया, जिसमें साथ में स्थानीय विधायक जी व स्थानीय मेयर इत्यादि लोग यहाँ पे शामिल हुए। देखिए, वर्तमान जो स्थिति है, जो कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मेला परिसर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश से पहले मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करा के ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है और उसके बाद ध्यान रखा जा रहा है कि उचित दूरी जो है बनी रहे व जो जितने भी नियम हैं कोविड-19 के, उन नियमों का अनुपालन किया जाए।